नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बदल गया है। यानी कि आज से ही डीएल और आरसी दोनों के ही फॉर्मेट में बदलाव किया गया है और इस बदलाव के बाद देश भर में सभी के डीएल और गाड़ी की आरसी का फॉर्मेट एक जैसा होगा। मतलब ये कि अब से डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स बिल्कुल एक होगा। आज से लागू होने वाले नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होगा। इसका फायदा ये होगा कि हर राज्य में डीएल आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी होगी। साथ ही सभी डीएल और आरसी में जानकारियां एक ही जगह पर होंगी। अभी तक हर राज्य के हिसाब से डीएल और आरसी का फॉर्मेट अलग अलग होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा। माइक्रोचिप और क्यूआर कोड की सहायता से केंद्रीय डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड निकाला जा सकेगा। क्यूआर कोड को रीड करने के लिए यातायात पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस भी दिए जाने का प्लान है। वहीं किसी भी आपात स्थिति के लिए भी हर चालक के डीएल के पीछे इमरजेंसी नंबर भी लिखा रहेगा, जिसकी मदद से पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति इस नंबर पर संपर्क कर सकेगा। डीएल और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने अनुसार फॉर्मेट तैयार करते रहे, लेकिन इसमें परेशानी ये है कि किसी राज्य में डीएल पर जानकारी शुरू में है तो किसी में संबंधित जानकारी पीछे की तरफ प्रिंट की गई है। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी एक ही जगह पर होंगी, जिनके बदलाव का सीधा असर आप पर भी होगा। इसीलिए इन बदले हुए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अलावा आपको अब अपना पुराना लाइसेंस भी अपडेट करना होगा, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।